जिला मंडी में भारतीय नमो संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश भाटिया ने की। भारतीय नमो संघ राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है और इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। ये बात मंडी में आयोजित संघ की बैठक को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश भाटिया ने कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बुजुर्गों के लिए बिना शर्त पेंशन लगाने का प्रावधान किया गया है, जो कि एक सराहनीय योजना है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी अनमोल है और डिजिटल इंडिया सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया गया है। भारतीय नमो संघ जो है राष्ट्र सेवा में समर्पित है और इसका मेन उद्देश्य है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिमाचल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो आम लोगों तक आम जनता तक हमारा पहुंचाना उद्देश्य है। आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में जो 80 साल की उम्र थी बुजुर्गों की, उन्होंने एक सराहनीय काम किया है जिसकी उम्र कर दी उन्होंने 70 साल की। इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की करता हूँ। हमारा मेन यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो आम जनता तक, चाहे हिमाचल गवर्नमेंट की आदरणीय जयराम के नेतृत्व में चल रही है, वो आम जनता के आम लोगों के घर द्वार पहुंचाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी अनमोल और डिजिटल इंडिया वगैरह ऐसी अनेकों ऐसी योजना है जो आम पब्लिक को पता नहीं होती है। 90% जो अवेयरनेस नहीं होती है, पता नहीं होता उन लोगों को, वो हम योजनाएं आम घर द्वार तक जाके जो है प्रोग्रामों के तहत जो है नुक्कड़ सभाओं के तहत करवा रहे हैं। हम प्रदेश में बैजनाथ, जोगिंदर नगर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर में हम जो प्रोग्राम कर चुके हैं और इसमें विधायकों को भी हम साथ में ले रहे हैं। जहां तक बड़े प्रोग्राम की संभावना है तो हम मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रोग्राम में आइए, हम लोगों को अपील करना चाहते हैं। पूरे हिमाचल में आदरणीय जयराम जी के जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को अच्छा काम कर रहे हैं, 2019 की हमारी प्लानिंग है कि 2019 में प्रधानमंत्री जो दोबारा फिर से बने, भाजपा की सरकार।